कृष्ण स्नेहा किचन हिंदी में मैं स्नेहा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे थेपला रेसिपी। आप देख सकते हो कितना परफेक्ट थेपला बना है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसी तरह हम आज थेपले बनाएंगे, तो चलो बनाते हैं। थेपले बनाने के लिए मैंने मेथी साफ पानी से धोकर ली है और बारीकी से कट की है। हमें इसी तरह बारीक कट की हुई मेथी चाहिए। अब हम मिक्सी का जार लेते हैं, उसमें डालते हैं 7-8 हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन डालते हैं और 2-3 कटे हुए अदरक के टुकड़े डाल देते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 छोटे चम्मच हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर थेपले में बहुत अच्छा आता है। हम इसे मिक्सी में अब बारीक पीसेंगे। आप देख सकते हो हमने इसे बारीक पीसा है और एक डिश में निकाल लिया है। अब हम एक बड़ा बाउल लेते हैं, उसमें लेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा और 2 चम्मच हम बेसन लेंगे। बेसन ज़्यादा नहीं लेना है, 2 चम्मच बेसन काफ़ी है। उसमें डालेंगे मिक्सर में पीसा हुआ मसाला और 2 चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच मैंने कस्तूरी मेथी ली है, इसे हाथ से क्रश करके इसमें डाल देंगे। इस तरह छोटा 1/2 चम्मच हल्दी हम इसमें डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। कटा हुआ धनिया डाल देते हैं और डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच तेल। और 4 चम्मच हम इसमें दही डाल देते हैं। दही डालने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिलाएंगे हाथ से। अगर आप थेपले ज़्यादा दिन रखना चाहते हो तो इसमें दही मत डालना, दही की जगह 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देना। अब डालेंगे कटी हुई मेथी। मेथी में पानी रहता है इसीलिए पहले मेथी डालकर अच्छे से मिलाना है, पानी डायरेक्ट नहीं डालना है। आप देख सकते हो हमने अच्छे से मिलाया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका आटा गूंदेंगे। हमें बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंदना है, जैसा हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसा गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे। इस तरह हमारा आटा गूंद के रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच तेल और फिर से इसे अच्छे से गूंदेंगे। इससे हमारा थेपला बहुत ही नरम और सॉफ्ट होगा। अब आटा गूंद के रेडी है, इसको हम ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने आटा फिर से गूंदकर उसके छोटे छोटे बॉल बनाए हैं। इस तरह आटे की लोइयां तोड़कर छोटे छोटे बॉल बना कर लिए हैं। अब हम इसे बेलेंगे। बेलने से पहले हम इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, सूखा आटा ज़्यादा नहीं लगाना है। इसे हल्के हाथों से हम बेल कर लेंगे। आप देख सकते हो कितने इजी बेल रहे हैं हमारे थेपले।
इस तरह हमें हल्के हाथों से थेपला बेल लेना है। बहुत ही झटपट बन जाते हैं थेपले। थेपला बहुत जल्दी सेकता है, इसीलिए पहले 9-10 थेपले बनाकर रखिए, फिर थेपलों को सेकना। आप देख सकते हो कितना पतला बेला है हमने थेपला और कितना परफेक्ट बना है। इसी तरह हम आपको दूसरा भी थेपला बनाकर दिखाते हैं। आप इस तरह थेपले एक बार ज़रूर बनाकर देखना। आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हम दूसरा भी थेपला आपको बेल कर दिखाते हैं। इस तरह हल्के हाथ से हम सभी थेपले बेल लेंगे। अब गैस पर तवा गरम होने के लिए रख देते हैं। तवा हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। हम इसके ऊपर डालते हैं थेपले और उसे उलट पुलट करके सेकेंगे। आप देख सकते हो थेपले का कलर कितना सुंदर है। थेपले का पीलापन, उसके बीच मेथी का हरापन। और थेपला सेकने के बाद हम उसको लगाएंगे तेल या घी, आपको जो पसंद है वो आप लगा सकते हो। उसे उलट पुलट करके हम अच्छे से सेक लेते हैं। थेपला हमारा अच्छे से सेक चुका है। आप देख सकते हो कितना अच्छा थेपला बना है। इसी तरह हम दूसरा थेपला भी डाल देते हैं और उसे भी उलट पुलट कर अच्छे से सेक लेते हैं। ये थेपले आप दही, सॉस, अचार, आपको जो सब्जी पसंद है उसके साथ खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होते हैं और पौष्टिक भी होते हैं। बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए, ऑफिस के लिए ऐसे थेपले आप ज़रूर बनाना। अब इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो सारे थेपले मैंने बना लिए हैं। ये कितना सॉफ्ट बना है मैं आपको दिखाती हूँ। एक मुट्ठी में आ गया और फिर से खुल गया। इसका कलर देख सकते हो। और ये थेपले आप दही, सॉस, किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हो। इस तरह परफेक्ट थेपले बन जाते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। खाने के लिए तैयार है हमारे थेपले। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।